अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा। चिकन कोरमे के लिए हमने लिया है 500 ग्राम चिकन है। इसको एक बार हमने धो लिया है। धोने के बाद में हमने इसको आधा कप सिरका, वाइट सिरका और बेकिंग सोडा, आधा चमचा बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक, इन तीनों को हमने डाल दिया इसमें और पानी डाल के इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि चिकन हमारा जूसी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। अब मीडियम साइज की 4 प्याज इसमें जाएगी। इसको इस टाइप से हमने काट लिया है, रफली काट लिया है बारीक, और इसको फ्राई करके तेल में और निकाल लिया है। अब इस कोरमे के लिए हमें चाहिए घी। 100 ग्राम घी है, ये घी में ही बनेगा कोरमा, तेल में अच्छा नहीं बनता है कोरमा। 100 ग्राम घी डालेंगे और 2 चम्मच अदरक लहसुन है। खड़े मसालों में जाएगा 2 तेज पत्ते, 4 हरी इलायची है और 5 लौंग, ये बघार में डालेंगे। धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है 2.5 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और 100 ग्राम दही है। और खुशबू के लिए हमें चाहिए केवड़ा वाटर, लास्ट में डालेगा ये। और इसमें गरम मसाला है पिसा हुआ, तो एक ये है जायफल और जैवित्री, बस इतना सा ही टुकड़ा डलेगा इसमें, ज़्यादा डलने से कड़वा हो जाता है। और 4 ये हरी इलायची, ये इसमें आखिर में पड़ेगी। अब हम तैयारी करते हैं हमारे कोरमे की। घी गरम होने देंगे, पत्ता डालेंगे, घी गरम हो चुका है। ये लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे और ये लौंग इसमें डालेंगे। थोड़ा सा चलाएंगे इसको, थोड़ी इलायची भून जाए। बहुत ही आसान रेसिपी बता रही हूँ मैं आपको ये। इसे आपको कोरमा बनाने में बहुत आसानी होगी, झटपट से बन जाएगा कोरमा। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, भूनेंगे थोड़ी देर। आप ध्यान से देखें, जिस तरीके से आप ये बनाएंगे आपका कोरमा बहुत अच्छा बनेगा। हमारा बन चुका है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे दही। दही जब डालें तो आप गैस का फ्लेम लो रखें, क्योंकि दही एकदम कट हो जाता है पकने के बाद में। तेज आंच पे अगर आप दही डालेंगे तो दही फट सकता है। अब इसे हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह। अब ये हमारा भुन चुका है। अदरक लहसुन के साथ चिकन जो हमने डाला था, इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। और ये नमक। अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी। इसमें दाना पड़ने जितना अच्छा अच्छा भून लेंगे। अब ये भुन चुका है चिकन हमारा, इसका मसाला भी देखें अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है इसकी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। डेढ़ कप पानी का शामिल करके इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। चिकन गलने तक इसे 15 मिनट चिकन गलाएंगे, छोड़ देंगे, फिर बताएंगे हम आपको। इसको ढक के पका लिया था, अब हम बीच में इसको खोलेंगे। और अब इसमें हम ये प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी गोल्डन ब्राउन, ये प्याज इसमें शामिल करेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इसको हाथ से मसल के चूरा बनाना है इसका। पाँच मिनट बाद हमने इसे खोल के प्याज शामिल कर दी। अब इसको हम कवर करके 10 मिनट और पकाएंगे हैं। अब हम कवर को हटाते हैं। हमारा कोरमा तैयार है। आपको ऐसा रखना है तो ऐसा रखिए, और अगर आपको पानी डालना है इसमें तो थोड़ा सा पानी डाल के और पका लीजिए इसे। अब हम इसमें ही डालेंगे जैवित्री, जायफल और ये गरम मसाला। इसको हमने पीस लिया है, जैवित्री जायफल को पाउडर बना लिया है। और अब इसमें सिर्फ आधा चम्मच ये केवड़ा डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हिला देंगे, अच्छे से इसको मिला लें। और बस बिल्कुल स्लो आंच पे से 2 मिनट के लिए दम पे रख दें। तैयार है हमारा कोरमा। कवर हटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार है हमारा कोरमा। इसको निकालते हैं प्लेट।